स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम बिजनेस की बात में। मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। कैबिनेट की बैठक में स्ट्रीट वेंडर्स, एमएसएमई और किसानों के लिए कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है ये फैसले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमवार यानी 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की गई। अपने दूसरे वर्ष के कार्यकाल में प्रवेश करने के बाद मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक थी। आपको बता दें कि इस बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनका भारत के मेहनती किसानों और एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र, साथ ही रेहड़ी विक्रेताओं के रूप में काम करने वाले लोगों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने दबावग्रस्त एमएसएमई को बूस्ट देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के अधीनस्थ कर्ज के लिए मंजूरी दे दी है और इससे लिक्विडिटी की तंगी झेल रहे करीब 2 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। आपको बता दें कि देश भर में इस वक्त 6 करोड़ से भी ज्यादा एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं। और कोरोना वायरस के बाद इस सेक्टर की अहमियत समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई के लिए आवंटन का फैसला किया है। कैबिनेट ने जय किसान के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए अन्नदाताओं के हक में भी बड़े फैसले किए हैं। इनमें खरीफ की 14 फसलों के लिए लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी देना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 3 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा रखने का वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 2020 से 2021 के 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। साथ ही इन 14 फसलों पर किसानों को लागत का 50-83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा। कोरोना लॉकडाउन के चलते स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ राहत देने के लिए कैबिनेट ने एक नई स्कीम पर भी मुहर लगा दी है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को फायदा होगा। कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये आजाद भारत में पहली बार हो रहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस तरह का फैसला किया गया है। इस स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का एक मुश्त लोन मिलेगा। इसे वो 1 साल में रीपेमेंट कर सकेंगे। इस लोन स्कीम में कोई पैनल यानी दंडात्मक प्रावधान नहीं किया गया है और इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे। आपको बता दें कि इस योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा रेहड़ी दुकानदारों तक पहुंच सके इसलिए सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से रेहड़ी पटरी दुकानदारों को लोन कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा और इसके लिए क्या शर्तें होंगी, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।